Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये सैटरडे नाइट का व्लॉग है जब मैं अपने घर पे थी। तो बस ये भाई लेकर आया था एयर बलून, हॉट बलून। तो हम लोग इसको जला रहे थे और ये जल ही नहीं रहा था, बार बार वापस लौट लौट के ही आ रहा था, फिर जैसे तैसे जल गया। और फिर ये है संडे मॉर्निंग का, तो बस मेरी हो रही है जाने की तैयारी। और यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है, पापा मम्मी ने अपनी तैयारी कर रहे थे, मैं अपनी तैयारी कर रही थी क्योंकि मुझे निकलना था। और मेरा वैसे ज़्यादा लंबा रूट नहीं है, लेकिन मैं बच्चों के साथ जा रही थी और अकेली जा रही थी, तो डर भी लगता है अकेले जाने में। और इसलिए पापा मम्मी मेरे साथ खाना वगैरह पैक कर दिया कि कहीं मुझे रास्ते में ना उतरना पड़े या बच्चों के लिए कुछ भी बाहर का ना लेना पड़े, क्योंकि बच्चे जब साथ में हो तो वो कुछ ना कुछ की जिद करने ही लगते हैं। तो इसलिए पापा मम्मी ने कहा कि नहीं, खाना घर से लेके जाना है, क्योंकि बस मेरा 3.5-4 घंटे का ही रास्ता रहता है आगरा से दिल्ली तक का। और चाय वगैरह मैंने पी ली थी, चाय के साथ एक बिस्किट भी ले लिया था। और ये सुबह 5:30 या 6:30 का ही टाइम था, मेरे पीछे घड़ी भी है। तो बच्चों को मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, और बच्चों को सुबह सुबह उठाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो सबसे पहले मैंने बच्चों को ही तैयार कर दिया था। और फिर नानी का घर हो तो फिर और ही मुश्किल होता है कि भाई नानी के घर आए हैं तो फिर सोने दो। तो बहुत मुश्किल से वो उठे थे जब मैंने कहा कि चलो घर चलना है, तब जाके कहीं उठे हैं। तो बस मेरे यहाँ महावर लग गया है, और मैंने कहा था बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना, और देखिए कितना भर भर के लगा दिया, क्योंकि ठंड में है ना एड़ियाँ फटने लगती है महावर वगैरह से। और मैंने यहाँ महावर के पैर छू लिए हैं। तो बस अब पापा आ गए हैं, और हमारे यहाँ लड़कियों की मान मान कहलाती हैं लड़कियाँ, मतलब जब शादियाँ हो जाती हैं तो हम लोग मान के रूप में माने जाते हैं। तो बस पापा मेरे यहाँ विदाई कर रहे हैं, इसी तरह से ही मेरे यहाँ विदाई होती है। और अगर मेरे हस्बैंड भी होते तो उनकी भी इसी तरह से ही होती, टीका वगैरह लगा के और हाथ में, उसी तरह से ही हम लोगों को विदाई दी जाती है। और अभी तो बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे जैसे घर से जाने का टाइम आएगा उदास होते जाएंगे। और फिर पूरी ट्रेन में उदास ही रहे थे, क्योंकि अभी तो बच्चों को लग रहा है कि हम अपने घर जा रहे हैं, लेकिन जब जैसे जैसे घर छूटता जाता है तो अपने आप ही उदास होते चले जाते हैं। और यहाँ बाबू के भी टीका लग चुका है, तो बस बाबू से मैं कहूँगी अब तुम भी नाना के पैर छू ले। तो हम लोगों के तो पापा ने छू लिया, लेकिन ये तो पापा अपने नाना के ही छूएगा, तो बस यहाँ पैर वैर छू चुके हैं। बस उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, तो मम्मी यहाँ सुबह से ही पीछे पड़ी थी, कुछ खा लो बासी मुँह घर से नहीं जाते हैं। तो बच्चों ने तो थोड़ा बहुत खा लिया था, पर बेटे ने बिल्कुल नहीं खाया था। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया, तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसने उस दिन दूध भी नहीं पिया था। तो मम्मी यहाँ कुछ फ्रूट्स लिए खड़ी हैं कि ये अपने बैग में डाल लो, क्योंकि बच्चे साथ में हो ना, तो बस मुझे यही लग रहा था कि रास्ते में ये लोग कुछ भी ना मांगे, और ट्रेन में फिर अकेले हो तो बस मुझे फिर समझ में भी नहीं आता। तो मम्मी ने कहा मैं यहाँ से सब तैयारी करके रख रही हूँ। तो मम्मी ने चिप्स से लेके नमकीन वगैरह सब बैग में रख दिया है, ताकि मुझे रास्ते में बिल्कुल परेशान ना होना पड़े। और वैसे मैं अकेले आती जाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मेरे संग ऐसा चांस पड़ जाता है जो मुझे अकेले इस बार आना पड़ा। वैसे मेरे हस्बैंड ही आते हैं या फिर मुझे भाई लेने आता है, लेकिन दिवाली के अगले दिन ही निकल आई। तो पहले ऐसी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं घर जाऊंगी। और यहाँ मेरी मम्मी ने कोच में कुछ पैसे और चावल बांध दिए हैं, बस सारी तैयारी मेरी करा जाता है और बस अब हम निकलने वाले। मेरी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी और आधा घंटा, तो इसलिए थोड़ा रुक गए थे। और बस अब निकलने की बारी आ रही है, मेरा दाना पानी यहीं तक था, और बस अब हम निकल रहे हैं। सामान भी सारा बाहर रख दिया है, तो बस मैं अकेली जा रही हूँ, और अकेले आई थी, अकेले जा रही हूँ। मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे और बस मुझे वहाँ तक हस्बैंड लेने आ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं स्टेशन पे। जाते टाइम भाई बोल भी रहा था कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, फिर उसी दिन उसे वापस आना पड़ता, तो मैंने कहा मैं अपने आप चली जाऊँगी। थोड़ा मैं ना आना जाना भी मुझे सीखना चाहिए, कब तक मैं किसी के भरोसे इसी तरह बैठी रहूँगी। और यहाँ देखिए मैं एक ही बैग लेके आई थी, ये बड़ा वाला, लेकिन जाने के बाद मेरे पास इतने सारे बैग हो जाते हैं कि पूछे नहीं, पता नहीं चलता धीरे धीरे कैसे बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ भाभी ने मेरे पैर छू लिए हैं, तो उन्होंने अपनी विदाई वगैरह मुझे दे दी है।
और बस अब मैं भाभी के गले लगूंगी। और यहाँ सब एक तरह से हंस सब रहे हैं, लेकिन बाद में सब बहुत उदास हो गए थे। और मम्मी का चेहरा तो सुबह से ही उतर गया था। जब मम्मी को पता हो जाए कि मैं बस जाने वाली हूँ, तो मम्मी पहले से ही बहुत उदास हो जाती हैं। और यहाँ मुझसे ना इस ब्लॉग की वॉइस ओवर ही नहीं की जा रही है, तो बस मम्मी अकेली और रह गई और मेरी विदाई हो गई है। और बस यहाँ से मुझे पैदल ही जाना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आगे जाके रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ से उस पार जाने के लिए गाड़ी का दिक्कत आती है ले जाने में। तो बस सभी लोग से हेलो हाय करके बस मैं यहाँ से चली गई। और मैं यहाँ रोना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि मैं रोऊँगी तो फिर मम्मी रोने लगती हैं। और बस मैं स्टेशन आ चुकी हूँ, तो ये अभी हम लोग एस्केलेटर पर अपना जा रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए। और बस मेरी ट्रेन आ चुकी है, सामने मेरी ट्रेन ही खड़ी है। तो ये कोई न्यू ट्रेन ही चली थी जिसका ये सेकंड राउंड था, और हफ्ते में एक ही बार ही चलती है, कोई SSR हुबली करके। बाबू नन्नू बाय, अच्छा तेरे को बाय कर दो एक बार, ऐसे कर दो, ऐसे हाथ लगे ऐसे, वो ट्रेन चल दी, चल ठीक है बाय 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 नन्नू नन्नू बाय। बस भाई जा चुका है, तो ये बाय नहीं कर रहा था बेटा मेरा, क्यों कहता है पहले इसे चिप्स खाना है। और घर पे ये कुछ भी खाने को राजी नहीं था, इसके पेट में इतना दर्द था। और यहाँ आके स्टेशन पे और ट्रेन में बैठती पेट दर्द सब दूर हो गया। हेलो, तो बस मैंने अब आपसे मिल रही हूँ। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, ना ही ट्रेन में कुछ बनाया, ना ही स्टेशन पर उतरते टाइम, क्योंकि स्टेशन पर बहुत भीड़ हो गई थी और वही लास्ट स्टॉप था। तो ये आ गए थे मुझे स्टेशन पे लेने, अंदर ही आ गए थे और फिर बस अब घर आ गए थे। और अभी शाम हो गई है, मैंने फिर उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर अब घर आके फिर खाना वाना बनाया, तो इनका तो खाना बनाना था मुझे, और मेरा खाना मम्मी ने पैक कर ही दिया था, वो खाना ये खा नहीं सकते थे क्योंकि बहुत मसाले वाला था और फिर काफ़ी टाइम भी हो गया था बने हुए उस खाने को। तो फिर घर आके खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा आराम वाराम किया और बस अब जा रही हूँ शाम का अपना काम करने। तो मैंने कल और ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो बस अपने घर आ गए हैं और बच्चे फिर से कह रहे हैं मम्मी वहाँ अच्छा लग रहा था, चलो फिर से चलते हैं नानी के यहाँ पे। पर क्या कर सकते हैं, नहीं रुक सकते तो वापस आना ही होता है। तो चलिए मैं अब वीडियो को एंड, अभी मैं सबकी वीडियो पे लगातार आ भी नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ पे इतना नेट नहीं हो पाता था मेरे पास। और अब मैं कंटिन्यू सबकी वीडियो पे रहूँगी, और फिर नहीं मिलता था मुझे वहाँ टाइम, और घर कितने दिन बाद गई थी तो बस रात में ही सबकी वीडियो देख पाती थी, दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता था। और इतने साल बाद घर जाओ तो फिर लगता ही नहीं है कि फिर लगता है यूट्यूब एक तरफ रख दो। मैं वीडियो भी बहुत मुश्किल से ही एडिट कर पाती थी अपनी, तो अब मैं लगातार सबके वीडियो पे आऊँगी। तो चलिए फिर मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मेरी फिर से तबीयत खराब हो गई, मुझे फिर कोल्ड हो गया है क्योंकि बार बार पानी बदल रहा है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ ये हो रहा है मेरे साथ, तो भी मुझे भी कोल्ड हो गया है फिर से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। ओके बाय बाय, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा।